हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ योर गर्ल श्रेया। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए वीडियो ईटिंग ओनली रेड कलर फूड फॉर 24 आवर्स चैलेंज की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, उसे थोड़ा सा सौते करेंगे, फिर उसमें डालेंगे 2 चम्मच ग्रीन चिली, टमाटो, टर्मरिक, सॉल्ट और उसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। एंड देन फिर उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर और चावलों को डाल के करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। और यहाँ पर हमारे रेड राइस रेडी हैं। तो यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म रेड राइस रेडी हैं बनकर। तो चलिए अब हम इन्हें खा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी छत पर बैठे हुए हैं और वेदर कितना सही हो रहा है। लाइक थोड़ा जैसे बारिश होती है ना, वो वाला वेदर हो रहा है, पर अभी बारिश नहीं हो रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस यहाँ पर हम लोग अपना लंच कर रहे हैं। चलिए अपना लंच फिनिश करके मिलते हैं। तो ये हमारा स्नैक टाइम, और स्नैक टाइम के लिए लाई हूँ मैं ये रेड रेड स्नैक्स। मैं लाई हूँ क्रैक्स और ये रेड वाली लेस। आप में से किसको इन दोनों ये दोनों चीज़ें पसंद है, मतलब आप में से अगर पूछा जाए तो इन दोनों चीज़ों में से आप क्या चूज़ करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे इन दोनों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा क्रैक्स पसंद है और पीयू को लेस पसंद है। तो चलिए फटाफट से अपना स्नैक्स कर लेते हैं। और इस तरीके से क्रैक्स को अपनी रिंग्स में, मतलब अपनी उंगलियों में पहनकर कौन खाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए अब हम मिलते हैं अपने डिनर टाइम में। तो ये हमारे डिनर टाइम। डिनर टाइम के लिए मैंने बनाए हैं ये चिली पोटैटोस जो कि रेड रेड हैं। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ और अब हम इन चिली पोटैटोज़ को खाएंगे। आप में से कितने लोगों को ये चिली पोटैटोज़ पसंद है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को चिली पोटैटोज़ पसंद है या हनी चिली पोटैटो पसंद है। तो चलिए फिर अब हम अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं। सो डेजर्ट के लिए मुझे और कुछ तो मिला नहीं। मैं लेने तो रेड वेलवेट केक भी गई थी, पर वो भी जो मेरे पास वाली शॉप है वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने ये कुछ ऐसा ट्राई करा, लाइक मेरे पास ब्रेड रखी थी और जैम रखी थी, तो मैंने ब्रेड को टोस्ट करके उसके ऊपर जैम लगा लिया। लाइक दोनों स्लाइसिस पे ब्रेड की पे जैम है। तो ये हमारा एक डेजर्ट काइंड बनकर रेडी हो गया है। आप लोग इस डेजर्ट को क्या नाम देना चाहेंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए फिर हम अपना फटाफट से डेजर्ट कर लेते हैं।
आप में से कितने लोगों को ये ब्रेड और जैम का कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है? मुझे तो काफ़ी सही लगता है। आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर हमारा डेजर्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर डेजर्ट के साथ हमारा ये रेड कलर फूड चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है। हे हे लिसन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय। सो टुडे शॉर्ट आउट गोज टू मैथिलीज आर्ट। बाय बाय।